तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिया विवादित बयान, कहा डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म का खात्मा जरूरी। कांग्रेस ने बयान से किया किनारा, बीजेपी ने ट्वीट कर पूछा क्या मुंबई की बैठक में यही तय हुआ था। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र ने 8 सदस्यों की कमेटी का किया ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद कमेटी में शामिल। अधीर रंजन ने कमेटी में शामिल होने से किया इनकार। राजस्थान के डूंगरपुर में बेड़ेश्वर धाम से आज रवाना होगी बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा। यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा, विधानसभा चुनाव के लिए आज चित्रकूट से करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में भड़के मराठा आरक्षण के समर्थक, सकल मराठा समाज ने सुबह 11 बजे दादर प्लाजा के पास आंदोलन किया ऐलान। सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण में आ रही परेशानियों को दूर करने का दिया भरोसा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंडिया शब्द के इस्तेमाल का किया विरोध, कहा हम सब लोगों को इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, सदियों से देश का नाम भारत है, भारत शब्द का इस्तेमाल करें सब लोग। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ। चांद पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर ने पूरी सफलता के साथ पूरा किया अपना लक्ष्य। इसरो ने ट्वीट कर कहा प्रज्ञान रोवर का काम हुआ पूरा। रोवर ने चांद पर 100 मीटर चलकर लगाई सेंचुरी। चांद पर 22 सितंबर को शुरू होने वाले अगले दिन भी काम कर सकता है रोवर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसी वारदात, पति ने पत्नी को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, 7 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे सीएम गहलोत, 10 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। बीजेपी ने बोला हमला। प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिली, आप बताइए मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है, बताइए क्या घटना है। महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। न्यूज़ 8 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 8 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।